स्पेशल डिश होती है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बीज बोनलेस लिया है आधा किलो। ये खास इस निहारी का ही गोश्त होता है। और एक टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और दो टेबल स्पून मैंने निहारी मसाला लिया है। ये किसी भी ब्रांड का आपको मिल जाएगा, किसी भी ग्रॉसरी शॉप से आप ले सकते हैं। और एक मीडियम साइज प्याज लिया मैंने, इसको आखिर में तड़का लगाऊंगी इसका। और दो टेबल स्पून मैंने गंदम का आटा लिया है, ये भी हम बाद में डालेंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने चूल्हे पे रख दी है और उसमें मैं एक कप ऑयल डाल रही हूँ। साथ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँ। फ्लेम मैंने तेज कर लिया। मैं इसमें मैं गोश्त डाल दूँ। गोश्त को थोड़ा सा भून के फिर मैं इसमें पानी डालूंगी। गोश्त को मैंने भून लिया और अब मैं इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकाल लूंगी। जब आटा डालूंगी तो उस पर थोड़ा ऑयल डालूंगी और तड़का लगाते हुए इसी में से ही डाल दूंगी, इसलिए मैं निकाल रही हूँ इसमें से। ये अब मैं इसमें दो कप पानी डाल रही हूँ और गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। ये गोश्त गल चुका है, उसको तकरीबन 30 से 35 मिनट्स लगे हैं। मेन बोनलेस बहुत जल्दी गल जाता है और उसको मैंने देखची में ही गलाया है, प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छा गल गया गोश्त और मैं इसमें आटा डाल दूँगी। इस तरह डालना है ताकि इसमें लम्स नहीं बने, हाथ से चम्मच भी लगाते रहेंगे। अगर और ज्यादा आपको गाढ़ा करना हो तो और आटा भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं आटा इसमें। ये आटा मैंने डाल दिया था और अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया और जो ऑयल हमने निकाला था वो थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे ताकि आटे का कच्चापन खत्म हो जाएगा इस तरह। और दूसरी तरफ हम प्याज ब्राउन कर लेंगे। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। प्याज ब्राउन हो चुके और अब मैं इसमें डाल दूंगी निहारी में।
सा ऑयल जो हमने रखा था इसमें और डाल दिया। इसको 10 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। ऊपर सारा ऑयल आ गया इसके, बहुत ही अच्छी खुशबू हो गई है तड़के की। तो मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। निहारी मैंने डिश आउट कर ली है और अब इसके ऊपर ये गार्निश कर रही हूँ। अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया, लेमन भी मैंने काट के रख दिया इसके ऊपर। रेडी है बिल्कुल खाने के लिए निहारी। मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।